हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता मंत्र। तो आज एक बार फिर से मैं आप सबके लिए यूपी टीईटी के इसकी लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सबको पता होगा, 17 अप्रैल को यूपी टीईटी के इसकी फाइनल सुनवाई थी। जो कुछ बचा रह गया था वो सभी सुनवाई 17 अप्रैल को थी, जिसमें कि आउट ऑफ सिलेबस पर और अनसीन पैसेज पर बातचीत होनी थी कि 5 नंबर के ये जो अनसीन आउट ऑफ सिलेबस का आया था और अनसीन में जो दिक्कत थी, इन सभी पर आज बात होनी थी। और साथ ही साथ ये बात होनी थी कि 2 नंबर जो दिए जाने, ये क्वेश्चन डिलीट किए जाएंगे या सभी को ग्रेस मार्क्स दे दिए जाएंगे, यानी कि सभी जितने भी अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था सभी को 2 अंक दे दिए जाएंगे, उनके रिजल्ट में ऐड कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, कोर्ट की सुनवाई कंप्लीट हो गई है, तो चलिए देखते हैं क्या हुआ है। तो दोस्तों, यूपी टीईटी 2017 की जो फाइनल सुनवाई थी वो 17 अप्रैल यानी कि कल कंप्लीट हो गई है। अब इस केस में हाई कोर्ट में कोई भी सुनवाई नहीं होगी, हाई कोर्ट ने साफ मना कर दिया है। और साथ ही साथ ये भी कह दिया है जिसको सुप्रीम कोर्ट जाना है वो जा सकता है, और यहाँ से फाइनल डिसीजन दे दिया गया है। तो क्या दिया गया कि टीईटी 2017 मैटर में आज हाई कोर्ट लखनऊ में अंतिम सुनवाई पूरी हुई। आज की बहस में कोई भी अतिरिक्त अंक नहीं बढ़ा, यानी कि जो कल 3 प्रश्नों पर बात हुई थी वही 3 अंक केवल बढ़े हैं, जिनमें पीएनपी पहले ही 1 अंक सभी को दे चुका है और बचे हुए 2 अंक भी अब ग्रेस मार्क्स के रूप में सभी अभ्यर्थियों को दे दिए जाएंगे। यानी उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जो कि 1 या 2 नंबर से रह रहे थे, अपना शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और साथ ही साथ उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप में से कुछ हों तो वो लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए जिनके जिनके नंबर बढ़ रहे हों। आउट ऑफ सिलेबस और अनसीन पर कोर्ट ने कोई भी अतिरिक्त मार्क्स नहीं दिया। तो दोस्तों, अब आप लोग समझ लीजिए कि यूपी टीईटी केस फाइनल हो गया, यानी कि हाई कोर्ट में अब इसकी सुनवाई नहीं होनी, ये केस ख़त्म हो चुका है, अब इसकी फाइल बंद कर दी गई है। तो आप लोग जान लीजिए कि सरकार जल्द ही कोई फैसला लेगी और आप लोगों की जो लिखित परीक्षा होनी थी उस पर भी जल्दी ऑर्डर आ जाएगा। उसके पहले अब यूपी टीईटी का नया रिजल्ट बनेगा। अब देखना ये है कि सरकार कितनी जल्दी इसको प्रोग्रेस में करती है। वैसे जैसा कि 12,460 वैकेंसी में हुआ, उस हिसाब से तो लगता है कि सरकार बहुत ही जल्द इन सभी फैसलों को लेकर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। तो आप लोग अपनी तैयारी में जल्द से जल्द लग जाइए। और आप लोग मान कर चलिए कि आज 18 अप्रैल हो गई है, अप्रैल लास्ट तक यूपी टीईटी का फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। मई में फिर से फॉर्म भरे जाएंगे, लिखित परीक्षा के जो लोग रह गए थे उसकी फिर आगे की प्रोसेस की जाएगी। और आप लोग मान लीजिए जून लास्ट में आप लोगों का लिखित परीक्षा का एग्ज़ाम 100% हो जाएगा। मैं शुरू से आप लोगों से यही कह रहा हूँ कि आप लोग तैयारी में लगे रहिए, जून में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अब हो सकता है लगभग 1 से 2 हज़ार अभ्यर्थी बढ़ सकते हैं, क्योंकि 2 अंक बढ़ाए जा रहे हैं, तो इससे 1-2 हज़ार अभ्यर्थी बढ़ सकते हैं। और आपके लिए खुशखबरी ये भी है कि 12,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा से कम हो गए हैं, जो कि 12,000 भर्ती में जा चुके हैं, इतने अभ्यर्थी अब आपके साथ नहीं होंगे। दोस्तों, इसी संबंध में मैंने 68,500 वैकेंसी को लेकर एक बुक प्रिंट कराई है, जिसमें मैंने लगभग 2200 क्वेश्चन रखे हैं, 12 सब्जेक्ट्स पर आधारित, सभी पर लगभग 200 क्वेश्चन मिल जाएंगे, कुछ पर कम हैं कुछ पर ज़्यादा हैं। मैंने इस बुक को प्रिंट करा लिया है। यदि आप लोगों को इस प्रिंटेड बुक को अपने एड्रेस पर मंगवाना है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर 8004562822 इस नंबर पर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग जो आपको रीज़नेबल प्राइस देना है, जो प्रोसेस है वो आपको बता दी जाएगी आपको मैसेज के माध्यम से या कॉल के माध्यम से, तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और इस बुक के माध्यम से आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इस बुक में मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 1 वर्ड के आंसर ही रखे हैं, जो कि लिखित परीक्षा के लिए विशेष रूप से बनाई गई है। और दोस्तों, जिन लोगों के मार्क्स बढ़े हैं या यूपी टीईटी केस में कोई नई अपडेट या कुछ लिखित परीक्षा से रिलेटेड अपडेट या आपके मन में कोई थॉट्स या विचार हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो यहाँ नीचे लगे हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस मिलते रहें समय पर। उसके पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग वीडियो पसंद आ रही है, आगे भी मैं और अच्छी प्रैक्टिस करता रहूं, अच्छी वीडियोस लाता रहूं आप सभी के लिए। तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और सभी ग्रुप्स में सभी जगह
ज़रूर शेयर करते रहें ताकि सभी लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल सफलता मंत्र। थैंक यू दोस्तों।